परवल है, शीर्ष 0 0 और बिंदु 5.2 से जाता है और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय का समीकरण इसी रूप में होगा। अच्छा, चूंकि 5.2 से होकर परवलय गुजरता है, परवलय गुजरता है ना जिस बिंदु से, तो इससे हम लोग a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 4 गुना a, और y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, तो ये 8 हो जाएगा, तो जाएगा भाग में, तो a का मान हो जाएगा 25/8। ठीक है, तो इसलिए परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 a के जगह पर 25/8 गुना y, इसके हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, जाकर उधर गुना करेगा तो 2x² इक्वल टू में आ जाएगा 25y। समझ गए, तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको बता दिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।